माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 3 इंग्लिश के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन। क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसे आपको अच्छी तरह से रीड करना है और इसमें दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द लॉयन फैमिली आल्सो केम आउट ऑफ देयर केव्स। लॉयन की फैमिली भी अपनी गुफा से बाहर आ गई। इट वॉज अ स्मॉल फैमिली द लॉयनेस एंड देयर टू लवली कप्स। वो एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें लॉयन था, लॉयनेस थी और उसके दो प्यारे से कप्स यानी शावक थे। द लॉयन क्लाइम्ड ऑन टू अ रॉक। लॉयन एक रॉक पर चढ़ गया। ही लुक्ड अराउंड एंड गेव अ लाउड रोअर्स। उसने अपने चारों तरफ देखा और ज़ोर से दहाड़ा। द कप्स बिगेंस टू प्ले विथ ईच अदर। शेर के बच्चे यानी कप्स एक दूसरे के साथ खेलने लगे। द लॉयनेस वॉच्ड देम फ्रोलिकिंग फॉर समटाइम्स देम शी कॉल्ड देम। लॉयनेस यानी शेरनी कुछ देर तक उन्हें अटखेलियाँ करते हुए खेलते हुए देखती रही और फिर उसने उन्हें बुला लिया। पैसे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द लॉयन फैमिली लिव। लॉयन की फैमिली या परिवार कहाँ रहता था। फर्स्ट लाइन में देखिए, द लॉयन फैमिली ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर केव। यानी लॉयन की फैमिली अपनी केव से गुफा से बाहर आई, यानी वो गुफा में ही रहते होंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा द लॉयन फैमिली लिव्ड इन अ केव। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कप्स डू। यानी कप्स ने, शेर के बच्चों ने क्या किया। फोर्थ लाइन में देखिए, द कप्स बिगिन टू प्ले विथ ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ खेलने लगे। आंसर आप पैसेज में दिए हुए सेंटेंस की तरह ही लिखेंगे, द कप्स बिगिन टू प्ले विथ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लॉयनेस डू। यानी शेरनी ने क्या किया। लास्ट सेंटेंस में देखिए, द लॉयनेस वॉच्ड देम द फ्रोलिकिंग फॉर सम टाइम्स देन शी कॉल्ड देम। आंसर में आप लिखेंगे, द लॉयनेस वॉच्ड द कप्स फ्रोलिकिंग फॉर सम टाइम्स देन शी कॉल्ड देम। यानी शेरनी उन्हें कुछ देर तक खेलते हुए देखती रही और उसके बाद कप्स को उसने बुला लिया। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द प्लूरल ऑफ कब। आपको कब का प्लूरल लिखना है। प्लूरल आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कब्स और ये भी लिखा हुआ है कब्स। इस तरह से कब का प्लूरल आप लिखेंगे, कब्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कम। फर्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है केम, यानी कम का पास्ट फॉर्म है केम। इस तरह से कम का पास्ट फॉर्म हो जाएगा केम। अगला सेक्शन है राइटिंग से। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, टू whom does the child say good morning। चाइल्ड किसे गुड मॉर्निंग कहता है। वो सभी नेचुरल चीज़ें जैसे स्काई, सन, विंड, बर्ड, ट्री, सभी को गुड मॉर्निंग कहता है, इसलिए आप आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, विंड, बर्ड, ट्रीज, ग्रास एंड बीज। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टू बर्ड्स इन द पोयम। पोयम में दो बर्ड्स का नाम क्या था। यहाँ पर आंसर मैंने पहले से लिख रखे हैं, आंसर है रॉबिन एंड जे। अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोस इनटू। एकॉर्न किस ट्री पर ग्रो हुआ था। एकॉर्न ऑक ट्री पर ग्रो हुआ था, इसलिए आप आंसर लिखेंगे, एकॉर्न ग्रो इनटू द ऑक ट्री। ग्रामर सेक्शन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो किसी दूसरे वर्ड के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है यानी बताता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, आ डैश एप्पल, यानी एप्पल कैसा है, फैट, थिक या फिर रेड। यहाँ पर आप फिल करेंगे रेड, क्योंकि एप्पल रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द अपोजिट ऑफ। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है स्लोली, स्लोली का अपोजिट लिखना है। स्लोली का अपोजिट होता है फास्ट, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट प्लूरल ऑफ। प्लूरल लिखना है आपको ब्रांच का, और ब्रांच का प्लूरल होता है ब्रांचेस, इसलिए यहाँ पर आप ब्रांचेस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऐड ईडी टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है प्लांट, प्लांट में जब आप ईडी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लांटेड, यानी यहाँ पर वर्ड हो जाएगा प्लांटेड। और क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए इन एंड द। इन आर्टिकल्स का यूज़ करके आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस है, डैश गंगा इज अ होली रिवर। जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, तो वहाँ पर आर्टिकल हम दा लगाते हैं।
गंगा जैसी दूसरी रिवर नहीं है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर आप लगाएंगे द, यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर। क्वेश्चन नंबर 6, एड ing टू द गिवन वर्ब एंड राइट इट अगेन। वर्ड है रन, रन में जब ing जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर डज नॉट का आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। जब आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा डजंट, यानी यहाँ से ओ हट जाएगा और यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेक कंपाउंड वर्ड्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है आइस, आफ्टर और क्रीम। इन वर्ड्स को आपस में मिला करके आपको दो वर्ड्स बनाने हैं। पहला वर्ड हो जाएगा आइस और क्रीम को मिला करके आइसक्रीम, और दूसरा वर्ड हो जाएगा आफ्टर और नून को मिला करके आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू राइमिंग वर्ड्स ऑफ। यहाँ पर फन दिया हुआ है जिसके आपको टू राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पर आप सन, गन या फिर बन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द नाउन वर्ड फ्रॉम गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से आपको नाउन वर्ड अलग करना है, पिक आउट करना है। सेंटेंस है सोहन इज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पर सोहन एक नाउन वर्ड है इसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे सोहन। नेक्स्ट सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट टीचर। आपको यहाँ पर अपने बेस्ट टीचर के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले पैराग्राफ में आप उनका नाम बताइए, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट किस तरह का पढ़ाते हैं, आपको उनका पढ़ाना कैसे लगता है। जैसे माई बेस्ट टीचर इज़ अमन सर, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखें। ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, आई लव हिज टीचिंग स्टाइल, ही एक्सप्लेन द सब्जेक्ट इन अ वेरी इजी वे, ही इज़ काइंड एंड लविंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम लकी टू बी हिज स्टूडेंट एंड आई विल ऑलवेज फॉलो हिज प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ। इस तरह से आपका जो भी बेस्ट टीचर है उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। क्रिएटिव राइटिंग का सेकेंड क्वेश्चन है राइट 5 वर्ड्स फ्रॉम गिवन वर्ड। यहाँ पर वर्ड है नॉलेज, जिससे आपको 5 वर्ड्स बनाने हैं। नॉलेज से बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, जैसे KNOW से नो वर्ड बन जाएगा, W और E को मिलाएं तो V वर्ड बन जाएगा, LE और G को मिलाएं तो लेग बन जाएगा, N और O को मिलाएं तो नो बन जाएगा, इसी तरह से D और O को मिलाएं तो डू बन जाएगा। इस तरह से कोई भी आप 5 वर्ड्स बनाएं। अगला सेक्शन है स्पेलिंग। यहाँ पर क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें बीच में अल्फ़ाबेट के लिए कुछ स्पेस ब्लैंक है, इनको फिल करके आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। चलिए फर्स्ट वर्ड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लिखा है सी, इसके बाद हो जाएगा आर, ई लिखा हुआ है, एक और ई होगा, पी आई एन जी, यानी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है क्रीपिंग। और सेकेंड वर्ड है बी आर ए एन सी और एच, यानी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है ब्रांच। इस तरह से ये वर्ड कंप्लीट होकर के क्रीपिंग हो जाएगा और ये वर्ड कंप्लीट होकर के ब्रांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन सर्किल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर ए बी और सी में 3-3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें से जिस भी वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है उस वर्ड को इनसर्कल करना है, यानी उसमें सर्कल लगाना है। ए में मॉर्निंग जैसी स्पेलिंग दिख रही है, पहले में लिखा है MORNING, दूसरे में MARNING और तीसरे में MRONING, और मॉर्निंग की स्पेलिंग होती है MORNING, इसलिए इसे इनसर्कल करेंगे। बी में आपको फ्लावर की स्पेलिंग देखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है FLAWER, यहाँ पे लिखा है FLOWER और यहाँ पे लिखा हुआ है FALOWER और करेक्ट स्पेलिंग है FLOWER, इसलिए इसे आप इनसर्कल करेंगे। सी में टर्निप से मिलती जुलती स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, इसलिए स्पेलिंग्स को चेक करिए। यहाँ पर TWRNIP लिखा हुआ है जो गलत है, इसमें TURIMP लिखा हुआ है जो ये भी गलत है, और लास्ट में लिखा है TURNIP, यानी ये स्पेलिंग करेक्ट है इसलिए इसे इनसर्कल करेंगे। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा जिसमें आपको हैंड राइटिंग करनी होगी। जो भी पैराग्राफ हो उसे आप नीट एंड क्लीन राइट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।